हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। EDMMS सब्जेक्ट के वीडियो ट्यूटोरियल में आज का हमारा टॉपिक है थर्ड नॉर्मल फॉर्म। प्रीवियस दो लेक्चर में हमने देखा कि नॉर्मलाइजेशन क्या है, उसका यूज़ क्या है, उसके टाइप्स कौन से हैं और उसमें से दो नॉर्मल फॉर्म, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एंड सेकंड नॉर्मल फॉर्म की बात हमने प्रीवियस लेक्चर में की। आज हम उसका जो तीसरा टाइप है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, उसकी बात करेंगे। तो देखते हैं व्हाट इज थर्ड नॉर्मल फॉर्म। अ रिलेशन आर इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म if it is in second normal form and no any non-prime attribute of a relation is transitively dependent on the primary key। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म के क्राइटेरिया कौन से हैं, तो देखते हैं हम। अ रिलेशन आर इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म इफ इट इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म। पहला क्राइटेरिया है कि वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म के दो क्राइटेरिया थे कि एक तो वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए और दूसरा एवरी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की। तो हमें जो रिलेशन दिया है उसमें पहले तो कोई कंपोजिट एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए, उसके बाद मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए और इसके जितने भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है वो सारे के सारे प्राइमरी की पे फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट होने चाहिए। दूसरा जो क्राइटेरिया है, नो एनी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट ऑफ अ रिलेशन इज ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की। और रिलेशन के जितने भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है वो प्राइमरी की पे ट्रांजिटिवली डिपेंड नहीं होने चाहिए। समझते हैं, पहले तो हम समझते हैं कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या है, प्राइम एट्रीब्यूट क्या है और ट्रांजिटिवली डिपेंडेंसी क्या है। तो देखते हैं, हमारे पास सपोज एक रिलेशन है अकाउंट ब्रांच और यहाँ पर चार एट्रीब्यूट है। आप देख सकते हैं ए नंबर, बैलेंस, बी नेम एंड बी एड्रेस। ए नंबर के नीचे मैंने अंडरलाइन किए, दैट मीन्स ए नंबर जो है वो प्राइमरी की है। बैलेंस, बी नेम एंड बी एड्रेस जो है वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। क्यों? क्योंकि ये जो तीन एट्रीब्यूट है वो प्राइमरी की में नहीं है। तो जो एट्रीब्यूट प्राइमरी की में है उसे प्राइम एट्रीब्यूट बोलते हैं, प्राइमरी की में नहीं है उसे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट बोलते हैं। इसलिए यहाँ पर बैलेंस, बी नेम एंड बी एड्रेस जो है वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, लेकिन ए नंबर जो है वो प्राइमरी की में है इसलिए ए नंबर को हम बोलेंगे प्राइम एट्रीब्यूट। देखते हैं, इन एबो रिलेशन अकाउंट ब्रांच ए नंबर इज अ प्राइम एट्रीब्यूट एंड बैलेंस, बी नेम एंड बी एड्रेस आर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। अब हम ट्रांजिटिवली डिपेंडेंसी की बात करेंगे कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या है। तो आर्मस्ट्रांग एक्सियोम्स में हमने देखा था रूल नंबर 3, जो ट्रांजिटिविटी का जो रूल था और उसमें बताया था कि इफ देयर इज अ फंक्शनल डिपेंडेंसी फ्रॉम एक्स टू वाई एंड वाई टू जेड देन देयर इज अ फंक्शनल डिपेंडेंसी फ्रॉम एक्स टू जेड। क्या मतलब है इसका? कि अगर वाई जो है वो एक्स पे डिपेंड है और जेड जो है वो वाई पे डिपेंड है तो इसका मतलब है जेड जो है वो ट्रांजिटिवली एक्स पे डिपेंड करता है। तो ऐसी जो सिचुएशन है उसे बोलते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो हमारे जो थर्ड नॉर्मल फॉर्म का सेकंड क्राइटेरिया है वो फिर से हम देखते हैं, नो एनी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट ऑफ अ रिलेशन इज ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की। तो ये जो तीन नॉन प्राइम एट्रीब्यूट से है उसमें से एक भी एट्रीब्यूट प्राइमरी की पे ट्रांजिटिवली डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बी नेम है वो ए नंबर पे डिपेंड है और बी एड्रेस जो है वो बी नेम पे डिपेंड है। तो अकॉर्डिंग टू द ट्रांजिटिविटी रूल ऑफ आर्मस्ट्रांग्स एक्सियोम वी कैन से
बी एड्रेस इज ट्रांजिटिवली डिपेंडेड ऑन ए नंबर। देखते हैं आगे, तो एग्जाम्पल लेकर के हम इसे समझने की कोशिश करेंगे तो हमें क्लियरली पता चले कि एक्चुअली थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग रिलेशन अकाउंट ब्रांच। तो हमारे पास एक रिलेशन है अकाउंट ब्रांच, चार एट्रीब्यूट है, ए नंबर, बैलेंस, बी नेम एंड बी एड्रेस। यहाँ पर ए नंबर जो है वो प्राइमरी की है, बैलेंस, बी नेम एंड बी एड्रेस जो है वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। यहाँ पर एक एफडी दी हुई है फ्रॉम ए नंबर टू बैलेंस, बी नेम एंड बी एड्रेस, और दूसरी एक एफडी दी हुई है एफडी टू फ्रॉम बी नेम टू बी एड्रेस। देखते हैं, दिस रिलेशन कंटेन फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसीज। एफडी वन इज देयर इज अ फंक्शनल डिपेंडेंसी फ्रॉम ए नंबर टू बैलेंस, बी नेम एंड बी एड्रेस, एंड एफडी टू इज फंक्शनल डिपेंडेंसी फ्रॉम बी नेम टू बी एड्रेस। तो ये जो दो एफडी यहाँ पर दी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये नंबर टू बैलेंस बी नेम एंड बी एड्रेस एंड एफडी टू बी नेम टू बी एड्रेस, ये दो एफडी पर से हम बोल सकते हैं, पहली एफडी पर से हम बोल सकते हैं कि बी नेम इज डिपेंडेड ऑन ए नंबर, और दूसरी एफडी पर से हम बोल सकते हैं कि बी एड्रेस इज डिपेंडेड ऑन बी नेम। तो यहाँ पर जो आर्मस्ट्रांग एक्सियोम का रूल नंबर थ्री था, ट्रांजिटिविटी रूल, उस तरह का कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर दो एफडी है, ए नंबर टू बी नेम एंड बी नेम टू बी एड्रेस, सो वी कैन से बी एड्रेस इज ट्रांजिटिवली डिपेंड ऑन ए नंबर। देखते हैं, इन दिस रिलेशन ए नंबर इज अ प्राइमरी की, सो ए नंबर इज अ प्राइम एट्रीब्यूट, बैलेंस, बी नेम एंड बी एड्रेस आर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। हियर देर इज अ फंक्शनल डिपेंडेंसी ए नंबर टू बी नेम फ्रॉम एफडी वन एंड फंक्शनल डिपेंडेंसी बी नेम टू बी एड्रेस फ्रॉम एफडी टू, सो देर इज अ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी फ्रॉम ए नंबर टू बी एड्रेस। तो यहाँ पर दो एफडी हमें मिलती है, एक है ए नंबर टू बी नेम और दूसरी है बी नेम टू बी एड्रेस, और ये दो एफडी पर से अकॉर्डिंग टू द आर्मस्ट्रांग एक्सियोम्स रूल नंबर थ्री, ट्रांजिटिविटी रूल, हम बोल सकते हैं कि यह इस रिलेशन में एक ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है फ्रॉम ए नंबर टू बी एड्रेस। इसका मतलब है बी एड्रेस जो है वो ए नंबर पर ट्रांजिटिवली डिपेंड करता है। और थर्ड नॉर्मल फॉर्म का क्राइटेरिया ये बताता है कि हमारे रिलेशन में ऐसा कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए जो प्राइमरी की पे ट्रांजिटिवली डिपेंड करता हो, लेकिन यहाँ पर बी एड्रेस जो है वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है और वो प्राइमरी की पे ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट है। सो हम बोल सकते हैं कि दिस रिलेशन इज नॉट इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो हमारा जो ये रिलेशन है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। अब देखते हैं कि ऐसे रिलेशन के प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम्स ऑफ दिस रिलेशन, सच काइंड ऑफ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज रिजल्ट इन डेटा रिडंडेंसी। तो इस तरह की ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी अगर हमारे रिलेशन में है तो डेटा रिडंडेंसी का प्रॉब्लम आता है। डेटा रिडंडेंसी का प्रॉब्लम क्या है, तो सपोज हमारे पास अहमदाबाद ब्रांच के 1000 अकाउंट है, तो जो ब्रांच एड्रेस, जो बी एड्रेस है वो 1000 टाइम रिपीट होगा, जिससे मेमोरी वेस्ट होगी, और ये जो प्रॉब्लम है इसे बोलते हैं डेटा रिडंडेंसी। देखते हैं, हियर ब्रांच एड्रेस विल बी स्टोर रिपीटेडली फॉर ईच अकाउंट ऑफ सेम ब्रांच। किसी ब्रांच के जो अकाउंट है, तो जितने भी अकाउंट है इतनी बार ब्रांच एड्रेस रिपीट होता है, और ये जो प्रॉब्लम है उसे बोलते हैं डेटा रिडंडेंसी। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, देखते हैं। डीकम्पोज द रिलेशन इन सच अ वे दैट रिजल्टेंट रिलेशंस डू नॉट हैव एनी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की। हमारे पास जो रिलेशन है उसको हमें डीकम्पोज करना है, और इस तरह से डीकम्पोज करना है कि जो रिजल्टिंग रिलेशन है उसमें ऐसे कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट नहीं होने चाहिए जो प्राइमरी की पे ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट हो।
For this purpose, remove all non-prime attributes from the relation which are transitively depend on primary key. तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमारे रिलेशन में जितने भी ऐसे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है जो प्राइमरी की पे ट्रांजिटिवली डिपेंड है, ऐसे सारे जो एट्रीब्यूट है उनको हमें उस रिलेशन में से रिमूव करना है. और कहाँ पर प्लेस करना है? प्लेस देम इन अ सेपरेट रिलेशन अलॉन्ग विद द नॉन प्राइम एट्रीब्यूट ड्यू टू विच ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी अकर्स. तो ऐसे जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है जो प्राइमरी की पे ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट है, ऐसे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को हमें हमारे रिलेशन में से रिमूव करना है और उनको दूसरे रिलेशन में मूव करना है. किसके साथ? तो ऐसे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट के साथ जिसकी वजह से ए ट्रांजिटिवली डिपेंडेंसी बनती थी. देखते हैं हमारे एग्जाम्पल में. इन अवर एग्जाम्पल B address is transitively depend on primary key. हमारा जो example था, जो account branch relation था, उसमें जो B address था वो A number पे primary key पे transitively depend था. So we should remove B address and place it in a separate relation branch along with non-prime attribute B name due to which transitive dependency occurs. तो हमें क्या करना होगा? जो ये B address है, ये बी एड्रेस को हमें हमारे रिलेशन में से रिमूव करना है और एक दूसरे रिलेशन जिसका नाम है ब्रांच उसमें हमें उसे प्लेस करना है. किसके साथ? तो बी नेम के साथ. बी नेम के साथ क्यों हमें प्लेस करना है? क्योंकि बी नेम की वजह से वो ट्रांजिटिवली डिपेंडेंसी बनती थी. क्योंकि बी नेम जो है वो ए नंबर पे डिपेंड था और बी एड्रेस जो है वो बी नेम पे डिपेंड था. तो बी नेम की वजह से बी एड्रेस ट्रांजिटिवली ए नंबर पे डिपेंड करता था, इसीलिए बी एड्रेस को हमें दूसरे रिलेशन में ले जाना है बी नेम के साथ. अब ये जो नया रिलेशन बनेगा ब्रांच, उसमें बी नेम जो है वो प्राइमरी की रहेगी. फॉर दिस न्यू रिलेशन ब्रांच बी नेम विल बी अ प्राइमरी की. सो द अकाउंट ब्रांच रिलेशन विल बी डिकम्पोज इन टू सेपरेट रिलेशंस अकाउंट एंड ब्रांच. तो हमारा जो रिलेशन था अकाउंट ब्रांच वो डिकम्पोज हो जाएगा और इसमें से दो रिलेशन बनेंगे. कौन से? एक है अकाउंट और एक है ब्रांच. देखते हैं. तो जो अकाउंट रिलेशन है उसमें अब तीन एट्रीब्यूट रहेंगे, ए नंबर, बैलेंस एंड बी नेम. और जो बी एड्रेस था वो ए नंबर पे ट्रांजिटिवली डिपेंड करता था, इसलिए बी एड्रेस को हमने अकाउंट रिलेशन में से रिमूव कर दिया और इसको ब्रांच रिलेशन में यहाँ पर मूव कर दिया. किसके साथ? तो बी नेम के साथ. बी नेम के साथ क्यों मूव किया? क्योंकि जो ट्रांजिटिवली डिपेंडेंसी बनती थी वो बी नेम के वजह से बनती थी, तो बी नेम को भी बी एड्रेस के साथ दूसरे रिलेशन में मूव कर दिया. तो यहाँ पर हमें दो रिलेशन मिलते हैं, एक है अकाउंट और दूसरा है ब्रांच. और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों ही रिलेशन में कोई भी ऐसी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है. यहाँ पर बैलेंस एंड बी नेम जो है वो ए नंबर पे डिपेंड है, यहाँ पर बी एड्रेस जो है वो बी नेम पे डिपेंड है. तो यहाँ पर किसी भी तरह की ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है. तो हमारा जो डेटा रिडंडेंसी का प्रॉब्लम था ये यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा. आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बी नेम के साथ बी एड्रेस है. तो यहाँ पर सपोज अहमदाबाद ब्रांच के 1000 अकाउंट है, फिर भी ये ब्रांच रिलेशन में जो अहमदाबाद ब्रांच का जो ब्रांच एड्रेस है वो सिर्फ एक बार आएगा. यहाँ पर अहमदाबाद आएगा, यहाँ पर इसका ब्रांच एड्रेस आएगा. तो जो ब्रांच एड्रेस इस रिलेशन में जो रिपीट होता था और डेटा रिडंडेंसी का जो प्रॉब्लम आता था ये यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा. तो स्टूडेंट, आशा करते हैं कि आपको थर्ड नॉर्मल फॉर्म पता चल गया होगा. थैंक यू वेरी मच.